नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना मनदीप सिंह बत्रा उत्तराखंड युवा कांग्रेस से। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार प्रदेश में भाजपा सरकार। साथियों, ये वादे तो भाजपा सरकार ने जो हमारे प्रदेश उत्तराखंड की जनता से एवं प्रदेश उत्तराखंड के भविष्य यानी युवाओं से किए थे, वो आपको याद ही होंगे। भाजपा सरकार ने तो यहाँ तक भी कहा था कि प्रदेश में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी पर रोकथाम लगाई जाएगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इसके उलट हुआ, उनके वादे मात्र और मात्र जुमलों में तब्दील हो गए। आज वह प्रदेश के भविष्य एवं जनता के सामने आ चुके हैं। साथियों, 2017 के मैंडेट में संकल्प पत्र भाजपा सरकार लेके आई थी, उसमें सबसे ऊपर रोजगार का मामला था, और आज उसी रोजगार के मामले में भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। भाजपा सरकार अपने आप को कहती थी कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत जिस प्रकार के से निरंतर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, प्रदेश में बढ़ती महंगाई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, आने वाली 4 तारीख को प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रदेश उत्तराखंड में हो रहा है। प्रदेश देवभूमि की जनता उनका स्वागत करती है, लेकिन उनसे एक सवाल है कि जो 2017 में उन्होंने विकास का वादा किया था प्रदेश उत्तराखंड की जनता से एवं युवाओं से रोजगार का वादा किया था, वो वह रोजगार कहाँ है और आज प्रदेश में कौन सा विकास उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इससे पहले अमित शाह जी का दौरा होता है और वह अपने स्टेज पर चढ़ के कहते हैं कि हमने संकल्प पत्र में 85% काम कंप्लीट किया है। आज प्रदेश का युवा उनसे पूछता है, 85% जो आपने काम पूरा किया है उसमें सबसे ऊपर रोजगार का मामला था, जिसमें डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। तो प्रदेश उत्तराखंड में आने से पहले, आने के बाद, आने से पहले आप जो वादे करने आ रहे हैं, उनसे पहले प्रदेश की जनता आपसे सवाल करती है एवं प्रदेश का युवा आपसे सवाल पूछता है कि उन वादों का क्या हुआ जो 2017 में इस भाजपा सरकार ने दिए थे। तो साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस।